वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। जीबी से हम लोग निकले हैं अब नागर के लिए, और ये हमने बाय बोला जीबी के हमारे होस्ट को। रात को आते वक्त जो रास्ते आपको समझ में नहीं आ रहे थे, वो दिन में एंजॉय कर लीजिए। जीबी वाले वीडियो में ये सारे रास्ते मैंने रात को दिखाए थे। अब जाते वक्त खाटू श्याम जी हमें फिर मिले। जगह जगह खाटू श्याम जी को कंधे पे उठाए हिमाचल में इस वक्त लोग घूमते मिलेंगे आपको, कोई प्रथा है। इस फेस्टिवल का नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जीबी से नगर जाने में 3 घंटे लगते हैं, पर नगर से मनाली का डिस्टेंस सिर्फ 30 मिनट में कवर हो जाता है। हमारा तो रोड ट्रिप था। चंडीगढ़ से हम पहले जीबी गए, फिर वहां से नगर जा रहे हैं, फिर वहां से मनाली जाएंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट मनाली से नगर आ सकते हैं, मनाली से जीबी घूमने आ सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। इसके रास्ते भी उबड़ खाबड़ है, स्मूथ ड्राइव बिल्कुल नहीं है, पर इन सब रास्तों में चलने का मजा ही अलग है। इनफैक्ट जो टनल हम अभी क्रॉस करके जाएंगे वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कम्प्लीटली बनाने। अगर बात करें वेदर की तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, और ये शहर जो है ना, इसे छोटा शहर नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 1500 साल पहले ये कुल्लू की राजधानी हुआ करता था, और ये जो बसा हुआ है ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। हिंदुस्तान की गलियों में सबका स्वागत बराबर से होता है, तो ये भेड़ बकरियों को देखिए, क्या सुंदर फर है इनके। इस तरह मनाली रूट पे अंडर ब्रिज से होते हुए हम नगर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है नगर। आजकल बड़ा इजी हो गया, आप नेविगेशन सिस्टम में डालिए और पहुँच जाइए। जब हम घूमा करते थे आज से 20 साल पहले, तब तो एटलस लेकर चलते थे, आज बच्चों को शायद यकीन भी ना हो। ये शहर 1800 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे बसा हुआ है, और एक ज़माने में ये राजधानी हुआ करता था, तो काफ़ी डेवलप्ड हुआ करता था उस ज़माने में। नगर से ना
नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो भुंटार है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और मनाली से अगर आप आएंगे तो 30 किलोमीटर दूर है ये नगर। तो बाय रोड आप मनाली से ट्रैवल कर सकते हैं, वो शायद ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। पर यहाँ के रास्ते बहुत संकरे हैं, और ये नेविगेशन सिस्टम की बदौलत हम पीछे वाले रास्ते से घुस रहे हैं। उस तरफ से अगर हम आते तो कैसल का रास्ता ज़्यादा ईजी पड़ता, बट माशाल्लाह अब क्या ही कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही चलते हैं। आसपास के नज़ारे मेस्मराइजिंग हैं। एक तरफ पहाड़ है, नदी है, और इस तरह से जो हरियाली दिख रही है बीच बीच में, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम नगर का कैसल, जो फोर्ट है वो देखने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेविगेशन सिस्टम हमें पीछे से लेकर जा रहा है, जिससे हम अनअवेयर हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि सामने वाला रास्ता काफ़ी चौड़ा था, पर इसमें चलने का मज़ा भी कुछ और है। घर जो दिख रहे हैं पुराने ज़माने के, ये सब कहाँ देखने को मिलता अगर हम सामने से जाते नहीं। चाहे कुछ भी बोलिए, घाट में चलाने में ना इतनी दिक्कत नहीं होती जितना ये ट्रैफिक और सकरे रास्तों में चलाने में होती है। पीछे गाड़ी खड़ी है, आगे कोई और खड़ा है, कोई और चिड़चिड़ा रहा होता है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, पर ठीक है, ये पुराने जमाने के मकान भी तो देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी बैक एंड फोर्थ कम से कम 10 से 12 मिनट तो चली होगी, उसके बाद हम कहीं कैसल तक पहुंच पाए। कैसल के मेन रास्ते पे आते ही ना इतनी हंसी आई, क्योंकि इतना चौड़ा रास्ता था। एंड लुक एट द व्यू, एकदम सीनिक ब्यूटी के बीच में ये कैसल स्थित है। यहाँ एक पार्किंग दी हुई है बढ़िया सी, उस पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और चलते हैं कैसल देखने। जा रहे थे कुछ करने और बीच में हमारी बिटिया को दिख गया ये छोटा सा प्यारा सा लैम्ब। नो डाउट बहुत क्यूट था, तो कुछ देर तो उसी के साथ लगी रही, हमने भी फोटोज खींच ही लिए, और था ये बहुत ही क्यूट। ये 23 साल की लॉयर है, जिसे हमने ले देकर मनाया कि भाई छोड़ो इसे और चलो आगे भी बढ़ना है। तो उन्होंने इस तरह से दिया लैम्प को बड़े छोटा मन करके। आई जस्ट होप ये कुत्ते के साथ अपना शुरू हो जाए खेलना। ठीक कैसल में घुसने ही वाले थे तब दिखा ये फ्रूट चाट वाला, और इन्हें फिर से दिख गया ये बच्चों वाली चीजें। तो अब वो जिद कर रहे हैं कि उन्हें ये सब चाहिए, तो ठीक है ये सनफ्लावर लेकर देते हैं, चाट खाते हैं और फिर जाते हैं कैसल। पर हेड एंट्री फीस है, टिकट 50 रुपए की है एक इंसान का,
जो कि वर्थ है, क्योंकि इतना मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे तो लगते ही हैं। तो वॉक इन फुटफॉल बहुत अच्छा है यहाँ पे, और ये काफी पॉपुलर कैसल है। इसके पॉपुलर होने के पीछे बॉलीवुड का बड़ा हाथ है। गेस कर पाएंगे बॉलीवुड का हाथ क्यों है? पास घूमने की जगह का मैप है, ये कैसल के बारे में हिस्ट्री है, और एक लोकेशन है जिसमें आप क्या बेहतरीन फोटो ले सकते हैं। बिल्कुल असली चेहरा सामने आ गया, नहीं लूसिफर। हियर वी गो इनसाइड। काफी वेल मेंटेन है, क्लीन प्रॉपर्टी है, और ये एक्चुअली ना 1978 में एक हेरिटेज होटल घोषित कर दिया गया था। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड में कहाँ दिखा था? में राजा सिद्ध सिंह ने इसको बनाया था, और इसको जब उन्होंने बनाया भी था ना, तो इसके जो स्टोन्स हैं वो गर्धक के एक अबैंडन पैलेस से उन्होंने ले लिया था, और वो पैलेस था राणा भोंसल जी का। तो वहां से उन्होंने सब लाकर यहाँ पे असेंबल किया, और क्या सीनिक ब्यूटी है यहाँ। इस बीच उन्होंने उस कैसल को बनाया। अभी तो बता दीजिए, बॉलीवुड में आपने कहाँ देखा है इसे, गेस कर सकते हैं? किसी की शादी हो रही थी और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ लोकल म्यूजिक सुनने का। तो खैर, ये जो जगह है ये फेमस थी। जब भी मेट का जो एक गाना था ना, ये इश्क हाय, मैं कहूंगी नहीं, बहुत ही भद्दा गाती हूँ, पर उस गाने में करीना कपूर ने यहाँ पे डांस शूट किया था। उसके बाद से ये जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये वाला एरिया था स्पेसिफिकली जहाँ वो गाना शूट हुआ था। वैसे यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर साजला वाटरफॉल है, वो भी एक जगह है देखने के लिए। हमारे ऑन द वे पड़ेगा, तो स्पेसिफिकली उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा, वो ऑन द वे हम देख कर आ चुके हैं। तब तक पता भी नहीं था कि वो उतना पॉपुलर है। उसके नीचे एक मैगी कॉर्नर है जहाँ पे यूजुअली लोग जाकर मैगी खाते हैं। हम यूं ही निकल पड़े क्योंकि बहुत भीड़ थी और मैंने शूट भी नहीं किया था। यहाँ आने के बाद पता चला कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। खैर, यहाँ पे नीचे बहुत सुंदर एक म्यूजियम भी है। यहाँ के जो लोग हैं उनके रहन सहन के बारे में सुंदर तरीके से डिपिक्ट किया गया है इस म्यूजियम में। फोटो सेशन वेशन करते करते हम लोग फिर निकल पड़े। काफी देर हो चुकी थी कि चलो अब आगे कुछ खाया पिया जाए। आसपास बहुत सारे खाने के आउटलेट्स हैं, और उन्हीं में से हमने एक सिलेक्ट किया, वो था डाउनटाउन कैफे। बहुत ही लजीज खाना था, और यहाँ का इंटीरियर बहुत ही यूनिक और प्लेजेंट था, बहुत वेलकमिंग था। यहाँ के होस्ट बहुत क्यूट हैं, और यहाँ से व्यू लाजवाब है। कासल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये कैफे, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, जब अगर आप नागर जाएं, कासल घूमने जाएं, तो इस कैफे में जरूर जाइए। खाना खाते खाते आपको हिमालय का ये व्यू मिलेगा, और जो होस्ट है वहाँ के, जो ओनर हैं, उनके क्लिक किए हुए पिक्चर्स हैं,
वो भी दीवार पे लगे हुए हैं, उन्हें आप खरीद सकते हैं। बहुत ही यूनिक कैफ़े है, खाना बहुत लजीज है और खाना स्पाइसी नहीं है, आई शुड मेंशन इट। अगर आपको इंडियन टच वाला खाना चाहिए तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। हमने तो आधे घंटा इसी में गुजार दिया, इसी जगह में कासल को डिस्कस करते हुए, यहाँ के वेदर को डिस्कस करते हुए। फिर आगे हम मनाली में चल पड़े क्योंकि हमने यहाँ स्टे नहीं करना है, मनाली बहुत ही पास था। मनाली में एक यूनिक स्टे करने वाले हैं, वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। अगले वीडियो को मिस नहीं करिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ रुक रहे हैं। और रुकेंगे काफ़ी खास जगह, मनाली में स्टे करेंगे और खास तरह से बताएंगे मनाली का दिन। कैसे बताएंगे आपको अगले वीक पता चलेगा, अगले वीडियो में पता चलेगा। मिस नहीं करिएगा, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम और इस वीडियो को देखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ना मनाली में, चलिए बाय बाय।